हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश एंड स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने दो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास टेंथ वालों के लिए लेकर आया हूं। आप लोग देख सकते हो, जो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और उसके बाद देखते हैं सेकेंड, और सेकेंड हम लोग का आप लोग ये क्वेश्चन है, देख सकते हो, एक माध्यम का अपवर्तनांक 2.0 यानी 2 है, इसका क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप इन दोनों को देख लीजिए। तो देखिए, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम हल लिख देंगे, ठीक है, और उसके प्रकार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांति कोण सी इजकल टू 45 अंश। मैं बता दूं कि क्रांति कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, तो वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांति कोण सी इजकल टू 45 अंश। चूंकि हम जानते हैं, लिख देंगे कि चूंकि n इजकल टू 1/sin c, ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक इजकल टू 1/sin c यानी 1/ क्रांति कोण, साइन सी को हम क्रांति कोण, इसे सी को क्रांति कोण कहते हैं, ठीक है। तो n इजकल टू होता है 1/sin c, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। n को हम अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक n इजकल टू 1/sin c, तो जो दिया है उसे रख ले, या n इजकल टू क्या 1/sin 45 अंश, ठीक है। चलिए यहाँ 45 अंश, क्योंकि C का मान 45 अंश दिया है, तो C के जगह हमने यहाँ 45 अंश रख लिया। उसके बाद फिर लिखेंगे बराबर 1, ये वाला 1 तो रहेगा ही, और उसके बाद बटा, और साइन 45 अंश का मान आप सब लोग जानते हो कि 1/√2 यानी 1/√2 होता है। तो देखिए, हम लोग का ये कैसे होगा, 1/√2 हो गया, तो यही पलट जाएगा ऊपर और गुणा हो जाएगा, यानी 1 और गुणे ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इससे इसको हल करेंगे, आप 1 से भाग देंगे तो ये उतना ही होगा, सेम टू सेम, और 1 से ये गुणा होगा, तो ये √2 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करता है ना, कि कभी कभी यहां लिख देता है, यदि साइन 45 अंश बराबर 2, यहाँ लिख देता है यदि साइन 45 अंश बराबर 2, तो यहाँ आप साइन 45 अंश के जगह पर ऐसा कहेगा तो 2 रखेंगे, और अगर इसी तरह सेम टू सेम पूछता है तो इसी तरह आप हल कर देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन गाइज, उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी प्रकार है, यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, ठीक है, इसका क्रांति कोण ज्ञात कीजिए, यानी इसका अब इसमें क्या दिया है, कि अपवर्तनांक दिया है, उसमें ऊपर हम लोग का क्रांति कोण दिया था, इसमें अपवर्तनांक दिया है, और पूछ क्या रहा है, क्रांति कोण पूछ रहा है, यानी सेम उसी का उल्टा। तो देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे, क्योंकि यदि क्रांति कोण सी हो तो अपवर्तनांक एन इजकल टू 1/sin c होता है, ये तो आपने ऊपर ही पढ़ा, ये अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या सीधे लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक एन इजकल टू 1/sin c, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि यदि क्रांति कोण सी हो तो अपवर्तनांक एन इजकल टू 1/sin c, या हम लोग का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक का मान कितना है दिया है 2, तो एन के जगह हम 2 रख ले, इजकल टू 1/sin c, उसी तरह रहने दे। अब चलिए पक्षांतर करते हैं, अब हमें चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो साइन सी को हमें इधर लाना है और 2 को इधर लाना है, तो साइन सी को ये बट्टा है इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा यहाँ, और ये 2 इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, कैसे, तो चलिए देख मैं आपको बता दूं। देखिए, ये साइन सी से अगर इधर गुणा होगा तो 2 sin c हो जाएगा ना, और बराबर ये 1 बच जाएगा, और फिर ये 2 और साइन सी दोनों में आपस में गुणा है तो 2 उधर जाएगा, तो साइन सी इजकल टू क्या हो जाएगा 1, और ये उधर जाएगा तो गुणा है इधर, तो उधर भाग हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ ये 1/2 हो गया। तो आप लोग समझ गए साइन सी इजकल टू 1/2 कैसे हुआ है। तो आगे चलते हैं, अब देखिए साइन सी इजकल टू 1/2 हो गया है, हमें सी
का मान ज्ञात करना है। इधर साइन सी है और इधर एक बटा दो है। अब एक बटा दो को हम ऐसा लिखे साइन के रूप में, ठीक है, हमें साइन के ही रूप में लिखना है क्योंकि इधर साइन वाले को कटाना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम एक बटा दो को साइन तीस अंश लिख सकते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि साइन तीस अंश का मान एक बटा दो, तो ये साइन सी उसी तरह उतार देंगे और एक बटा दो की जगह पर हम साइन तीस अंश रख देंगे क्योंकि एक बटा दो इजकल टू साइन तीस अंश या साइन तीस अंश इजकल टू एक बटा दो। अब देखिए ये बराबर हो गया, साइन सी बराबर या साइन सी इजकल टू साइन तीस अंश, तो ये साइन साइन बराबर है तो कट गया और सी इजकल टू क्या बचा, तीस अंश। तो यह हम कर लिख देंगे सी इजकल टू तीस अंश और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो गाइज यही थे दो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अगर एक बार समझ नहीं आता है तो दूसरी बार भी देख लीजिएगा। तो सो यार इस वीडियो में इतना ही, तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।